सोलन के मरियोग में गायों से हो रहे बर्बरता पर आखिरकार प्रदेश सरकार ने एक्शन ले ही लिया है और अचानक पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दलबल के साथ गौ सदन का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर पशुपालन मंत्री ने गायों के स्वास्थ्य की जांच करवाई और गौ सदन के कर्मचारियों और वेटनरी फार्मिस्ट की शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों से भी उनकी व्यथा जानी। विद्यार्थियों ने गौ सदन में चल रही गड़बड़ी के बारे में पशुपालन मंत्री को अवगत करवाया और साथ ही गायों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों ने वे स्थान भी दिखाया जहां गायों को मारने के बाद लावारिस फेंक दिया जाता था। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जब गौशाला का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टित प्रतीत हुआ कि गायों को वहां भूखा रखा जाता है और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है और ना ही ध्यान दिया जाता है। इस शक को पुख्ता करने के लिए गायों के रक्त का सैंपल लिया गया और अगर जांच में पाया जाता है कि गाय भूख की वजह से मौत का ग्रास बनी है तो गौशाला चला रही प्रबंधन कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। चैनल में खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर ये हुआ है कि जहां गाय मरने के बाद खुले में फेंक दी जाती थी उन टैंकों को भर दिया गया है। गायों को सूखे तूड़ी के साथ अब हरा घास भी दिया जाएगा। गौशाला को पूरी तरह से साफ सुथरा रखा जाएगा और गायों को भी नहलाया धुलाया जाएगा। गायों के बाड़े के आसपास पूरी तरह सफाई रखी जाएगी। वहीं विद्यार्थियों ने खुलासा भी किया था कि उन्होंने कुछ वर्षों के भीतर करीब 200 से 250 गायों को मरते देखा है। यही नहीं, विद्यार्थियों ने यह भी शिकायत में लिखा है कि जो गायें लंबे समय से बीमार चल रही थी उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। विद्यार्थियों से जबरन मरे हुए पशुओं को घसीटने के लिए कहा जाता है, जो इसका विरोध करता है उस पर भारी जुर्माना कर उसकी रसीद तक नहीं दी जाती है।